हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गजब बनारस पे। तो दोस्तों, इस समय मौजूद हैं हम बनारस की सबसे मॉडल घाट खिड़किया घाट पे, और यहाँ पे बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हो रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक भी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट हो रहा है। तो अपडेशन के क्रम में दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए, छड़ को बेस बना के अब यहाँ पे ढलैया की जाएगी और इस पे एक मजबूत फ्लोर तैयार किया जाएगा, और यहाँ पे इसके बाद क्या कुछ होगा, हो सकता है पत्थर लगाए जाएं। और यहाँ देखिए व्यू, यहाँ भी काम हो रहा है, यहाँ भी देखिए पत्थर लगाए जा रहे हैं और इन्हें जाली से बांधा भी जा रहा है। चूँकि बरसात आने वाली है तो उसकी भी तैयारी है कि जब ये पानी बढ़ेगा, गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए भी तैयारियां हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काम हो रहा है, आप देखिए, तो साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है और जो निर्माण है उसका भी चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सराय गुंबद है, जो बैठने का जगह है, उसे भी बनाया जा रहा है। और ये जो नमस्कार की मुद्रा में जो हाथ हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैन पावर काम कर रहा है। आपको हम जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, पेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ आइए आपको दिखाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे भी इसे रंगने का और काम चल रहा है, वहाँ भी देखिए। तो आने वाली 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इसकी भी अच्छी खासी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। और दोस्तों, अभी हमारी यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे बात हो रही थी, जो यहाँ का अपडेशन का काम कर रहे हैं। तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, जिन पत्थरों पे जिसे ये बनाया गया है, जिसे हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये जैसलमेर के पत्थर हैं और जोधपुर से भी आए हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, समय बिताने आते हैं, वो यहाँ की जगहों को साफ़ नहीं रखते हैं। वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे आप देखिए कि कोई नंबर लेके चला गया है, कोई कुछ करके चला गया है, तो अब ये इन पत्थरों पे गंदगी हो रही है, इस वजह से हमें इनकी दोबारा से फिनिशिंग का काम करना पड़ रहा है। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे तो ऐसा ना करें, अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसे टोकाटाकी करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, लोकेशन अच्छी है। फ्लोर देख पा रहे हैं जिसे हम जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ मंच बनाया गया है कोई कार्यक्रम करने के लिए। और इसी के साथ देखिए एक खुला ऑडिटोरियम है, ये जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं ये ऑडिटोरियम का काम करती हैं। कोई यहाँ पे कार्यक्रम यदि हो रहा होता है तो यहाँ पे आदमियों के बैठने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए जगह बनाई गई है। और आपको दिखाते हैं कि इस घाट पे और क्या कुछ सुविधाएँ हैं जी। और ये देखिए फूड कोर्ट है, यहाँ पर दुकानें अभी अलाट नहीं हुई हैं, इस वजह से ये सब बंद है। जैसे ही अलाट होगा दुकानें खुल जाएंगी और जो यहाँ लोग आएँगे उन्हें खाने पीने के लिए यहाँ पे सामान मिलेगा। और ये टाइम लाइन इंस्टॉलेशन है, ऐसी दीवार लगभग बनारस के सभी 84 घाटों पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिस पे जानकारियाँ आपको मिली दिखेंगी। इन सब की वीडियो हमने बना रखी है पहले से ही, और आप देखिए ये यहाँ पे आरओ का कोल्ड वाटर का कूलर है ये, और डस्टबिन, मतलब सारी सुविधाएं हैं। इस घाट को एक अलग ही तरीके से बनाया गया है। इसी के साथ देखिए कि लोगों की अब भीड़ जो है खिड़किया घाट पे आनी शुरू हो चुकी है। नमस्कार की मुद्रा में हाथ देख पा रहे हैं, इन पे अब रंगाई पुताई का काम शुरू हो चुका है।
और अभी इन पे पुट्टी का वर्क किया जा रहा है, जैसा कि आप सफ़ेद कलर में देख सकते हैं। अब इनमें कौन सा कलर आगे होगा ये तो अभी सस्पेंस है, अभी क्लियर नहीं है। या तो खिड़किया घाट पे भी अब साफ सफाई का और अपडेशन का काम चालू है, क्योंकि आने वाली 21 जून को योग दिवस है, तो यहीं पे मुख्य आयोजन भी किया जाएगा कि यहाँ पे नमो नमः जहाँ लिखा हुआ है वहाँ की सफाई भी हो रही है। तो योग दिवस की ही तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और आगामी 21 जून को है भी, तो तैयारियां बहुत ज़ोरों पे हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों अपडेशन के क्रम में अब आपको बताएं कि जो इधर खिड़किया घाट का जो एक्सपेंडेशन हो रहा है, जिधर इस जगह पे भी जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह की सीढ़ियां लगेंगी। और एक जानकारी और बता दें, यहाँ पे जितने सारे पत्थर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सीढ़ियों पे या इस तरीके के खंभे बने हुए हैं, ये जोधपुर के और जैसलमेर से आए हुए पत्थर हैं। एक ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ खिड़किया घाट का। खिड़किया घाट एक मॉडल घाट है वाराणसी में, बनारस में, और यहाँ पे लोग शाम के वक्त आते हैं अपना टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। भगवान भोलेनाथ को यहाँ दिखाया गया है रौद्र रूप में, शांत की मुद्रा में। ये बाबा का त्रिशूल आप देख सकते हैं, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, देखने लायक है। दीवार पे चित्रकारी करके एक कहानी बताई गई है, आप देख सकते हैं कि भगवान लक्ष्मण हैं जिन्हें शक्ति लगी हुई है, और भगवान राम इनको गोद में अपने लिए बैठे हैं, और ये देखिए ये भगवान हनुमान जो हैं, ये भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। तो एक कहानी ही पूरी रामायण की इसमें दिखाई गई है इन दीवारों पे। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं। ये देखिए भगवान कृष्ण हैं और राधा हैं, और इन दीवारों पे देखिए बनारस के घाटों को दिखाया गया है। यहाँ पे सुबह बनारस कैसे होती है, लोग सुबह सुबह कैसे वो करते हैं, अपने सुबह की शुरुआत करते हैं गंगा स्नान करके, सूर्य को जल देकर। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं खिड़किया घाट से बाहर, और आपको दिखाएंगे कि और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, आइए चलते हैं। और खिड़किया घाट पे ही सीएनजी स्टेशन खोला गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आज का जो रेट है 84 रुपये 88 पैसे है। और दोस्तों इसी घाट पे आपको अपना व्हीकल स्टैंड भी मिल जाएगा, यहाँ पे 2-व्हीलर और 4-व्हीलर स्टैंड भी खोल दिया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पे ला के खड़ा कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं थी, लेकिन अब जो है खोल दिया गया है, स्टैंड बना दिया गया है। ये 4-व्हीलर स्टैंड है, और इसी के बगल में ये है 2-व्हीलर स्टैंड है, व्हीकल स्टैंड है। और इसी के साथ देखिए ये है राजघाट का पुल, और इस पुल की खासियत ये है कि नीचे आपको रेलवे लाइन दिखाई देगी और ऊपर जो है वो सड़क का मार्ग है, सड़क है ऊपर। अच्छा, ये आपको एक बहुत बड़ी अपडेट आपको दिखा दें कि यहाँ पे गेट लगा दिया गया है। गेट लगाने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लोग टहलने आते थे, घूमने आते थे, वो लोग अपनी बाइक लेके घाट तक पहुँच जाते थे, इस वजह से यहाँ पे गेट लगाना पड़ा है। और आप देखिए कि यहाँ पर गमले लगाए गए हैं जो कि काफ़ी बेहद शानदार लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। खिड़किया घाट जो कि बनारस का सबसे मॉडल घाट कहा जाता है, और आप देखिए यहाँ पे ये राजघाट का पुल है, सामने आपको दिखाई देगा, और सामने जो है माँ गंगा हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि खिड़किया घाट पे क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, और इसी के साथ घुमाया खिड़किया घाट भी। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम इसी तरह की और वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।